नमस्कार दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग को या फिर बॉलीवुड म्यूजिक को एज ए नॉन कॉपीराइट म्यूजिक की तरह अपने बैकग्राउंड म्यूजिक में ऐड करना चाहते हैं, अपने वीडियोस में कोई भी टेक्निकल वीडियोस या फिर कोई भी वीडियोस आप अपलोड करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बैकग्राउंड म्यूजिक जो डालना होता है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं क्या बॉलीवुड म्यूजिक को? तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूज़ करें सभी वीडियोज़ में, क्योंकि अगर यूट्यूब को पता चल गया तो आपको मॉडरेशन से हाथ धोना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसे एक दो वीडियोज़ में ही आप यूज़ करें, लेकिन दोस्तों ये कुछ इतना भी वायलेट सही करता है रूल्स को, लेकिन दोस्तों आपको ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को नहीं लंबा करके मैं दोस्तों यहीं से स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो हेलो व्यूअर्स, आई एम शंकर बोला, न्यू वाचिंग यूट्यूब चैनल टेक्निकल शंकर। तो दोस्तों आपको अगर कोई भी नॉन कॉपीराइट म्यूजिक को या फिर अपने वीडियोस में डालना होता है तो आप सीधे यूट्यूब में जाते हैं और दोस्तों उसी को डाउनलोड कर लेते हैं। अगर दोस्तों किस तरह से नॉन कॉपीराइट म्यूजिक डाउनलोड करते हैं और यूज़ करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे बोलिए कमेंट्स में, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से डाउनलोड करें, ए टू लेके जेड तक बता दूंगा नॉन कॉपीराइट म्यूजिक के बारे में। तो दोस्तों अगर आप यही सोचते हैं कि बॉलीवुड म्यूजिक को लगाने से व्यूवर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों हाँ ये कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा वीडियोस होगा वैसे अगर म्यूजिक डाल देते हो तो जो बंदा आपके वीडियो को देखेगा तो उसको भी इंटरेस्टिंग लगेगा वीडियो, और दोस्तों वो आपकी वीडियो को भी देखेगा और दोस्तों साथ ही साथ म्यूजिक को देख सुनेगा, और दोस्तों जब म्यूजिक को सुनेगा तो आपके वीडियोज भी अच्छे लगेंगे और दोस्तों वीडियो जो है बंदा लास्ट तक ही देखेगा, और दोस्तों उसके जरिए से आपको वॉच टाइम भी बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों आप जो है बॉलीवुड म्यूजिक को यूज कर सकते हैं, वो भी 30 सेकेंड के। तो दोस्तों आपको अगर यूज करना है तो कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, और जिस भी सॉफ्टवेयर में आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसमें आपको एक ही सॉन्ग को बार बार नहीं यूज करना है। मान लीजिए कि आपको मेरे उसके कमर पहले ऐड कर लीजिए उसके म्यूजिक को 30 सेकेंड, फिर दोस्तों नेक्स्ट 30 सेकेंड, मेरा मतलब कि 30 सेकेंड के बाद और फिर से और एक सॉन्ग को यहाँ पे लगा दीजिए, जैसे कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड, उसके बाद फिर 30 सेकेंड के बाद फिर और एक बॉलीवुड सॉन्ग यूज कर लीजिए। ऐसे ऐसे करके आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए कौन कौन सा सॉन्ग जो है आपको वीडियोस में लगाना होगा, और दोस्तों प्लीज ये ध्यान दें कि 30 सेकेंड से थोड़ा सा भी यहाँ पे जो है ज्यादा ना हो। दोस्तों 30 पॉइंट समथिंग होता है वो भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, अगर वो भी हो गया तो आपको वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम मिल जाएगा। और दोस्तों ये यूट्यूब भी बोलता है कि 30 सेकेंड के अंदर ही आप कोई भी गाने की यूज कर सकते हो वीडियो में। तो दोस्तों इसी तरह से आप बॉलीवुड सॉन्ग को एज ए नॉन कॉपीराइट म्यूजिक आप अपने वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक के जैसा यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को इसी के बारे में बताने वाला था, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किए थे कि आप बॉलीवुड सॉन्ग को कैसे यूज करते हो, तो मैंने थोड़ा सा वीडियोस को जो है पहले अपलोड किया था उसमें बॉलीवुड सॉन्ग यूज कर रहा था, अभी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग को बनाया कि आप ही समझ जाएं कि इसके असलियत क्या है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ये वीडियो बिल्कुल शेयर कर लेना, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि ये बॉलीवुड सॉन्ग यूज करने में क्या होता है, क्या करते हैं, कैसे कर सकते हैं यूज। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है या फिर